एक दिन की प्रोडक्शन है 70 कार्टन। ठीक है सर, एक कार्टन के अंदर कितने जार होते हैं? 9 जार होते हैं। 9 जार होते हैं, और एक जार के अंदर कितने पीस होते हैं? 70 पीस होते हैं। 70 पीस होते हैं। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितनी आती है? जार के पीछे प्रॉफिट आप निकालते हैं या कार्टन के पीछे आपकी प्रॉफिट होती है? जार के पीछे निकालते हैं। एक जार के पीछे कितनी आपकी प्रॉफिट? एक जार के पीछे कम से कम 10 रुपए प्रॉफिट है। 10 रुपए एक जार के पीछे आपकी प्रॉफिट निकल रही है जी। ठीक है, और एक दिन के कितने आपने कार्टन बताए थे? 70 कार्टन। 70 कार्टन और एक कार्टन में 9 जार होते हैं। ठीक हो गया, और एक जार के पीछे 10 रुपया आपकी प्रॉफिट है जी। जी मैं सर नौकरी भी कर रहा हूँ और कामयाब ये कारोबार भी साथ में कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर घर की जरूरत है, बच्चों के खाने को बैग पे, इसमें पार्ट टाइम ये करता हूँ, फर्स्ट टाइम अपनी नौकरी जा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक दिन की 70-80 कार्टन की प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन होती है और जितना माल भी बनता है एक दिन में सेल हो जाता है। ये कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कारोबार है कि घर में लेडीज भी कर सकती हैं, खवातीन वगैरह, और आप भी खुद भी कर सकते हैं, और अच्छा कारोबार है। आपने सिर्फ मशीन का ख्याल करना है, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शम्स और आप देख रहे हैं बिजनेस टॉक। नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनाब, आज बड़ा बेहतरीन बिजनेस आइडिया आप बहन भाइयों के लिए शेयर करने लगा हूं। ऐसा बिजनेस आइडिया है कि इसको करने के लिए ना तो आपको स्किल की जरूरत होगी, ना ही आपको एजुकेशन की जरूरत होगी, और छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट से भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट रनिंग आइटम है, बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, इधर आपका माल तैयार होगा, इधर आपका माल सेल हो जाएगा। अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं आप, ये सेटअप लगाना चाहते हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि यार ये माल बना बनाया हमें मिल जाए तो हम आगे रीसेल करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके। आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान के हालात हो गए हुए हैं, एक तनख्वाह से, एक सैलरी से, एक बिजनेस से इंसान का निजाम जिंदगी नहीं चल रहा। बहुत से बहन भाइयों को कोशिश होती है कि यार हमें कोई साइड बिजनेस मिल जाए, कुछ साइड को हमें इस तरह का बिजनेस मिल जाए जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना करनी पड़े और हमारा घर का निजाम जिंदगी भी चल पड़े, हमें कुछ ना कुछ इनकम आने लग जाए। तो ये आप दो तरह से आपके लिए ये एक बिजनेस आइडिया होगा। आप अपना सेटअप भी लगा सकते हैं, आप इनसे माल खरीद कर अगर रीसेल करके जनाब मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदामंद होने वाली है आप बहन भाई के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक सर। नाम बताइएगा सर अपना। माजिद अली। माजिद भाई, आप कौन सी प्रोडक्ट बना रहे हैं जी? हम जी कप जेली बना रहे हैं। कप जेली बना रहे हैं सर, जिस मशीन से बना रहे हैं इस मशीन को क्या कहते हैं जी? इसको ऑटोमेटिक फिलिंग एंड सीलिंग मशीन कहते हैं। ऑटोमेटिक फिलिंग एंड सीलिंग मशीन, सीलिंग मशीन कहते हैं। ठीक हो गया सर, आप जो कप जेली बना रहे हैं उस जेली को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए हमें जी? हमें चाहिए होता है कैराजिनाम जी, सोडियम सैट्रेट, बेंजोएट, टार्टरिक, कलर, फूड कलर और फूड फ्लेवर चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कप चाहिए होते हैं जी? कप चाहिए होते हैं, वो गुफी वालों से मिलते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा? इसके अलावा मशीन के ऊपर पानी गर्म होता है टैंकी में, ठीक है, पानी गर्म करने के बाद हम मशीन के अंदर निकाल देते हैं पानी, ठीक है, ऑटोमेटिक फिलिंग होती है, फिर सीलिंग होती है, ठीक है, फिर माल को 3-4 घंटे देते हैं खुश्क होने के लिए। खुश्क होने के लिए रख देते हैं और माल आपका तैयार हो जाता है ताकि जार में से स्मेल ना आए। जार में से स्मेल ना आए जी। ठीक हो गया सर, इसके लिए ये रील भी रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल में इंक्लूड होती है ना जी? जी सर। ठीक है, ये रील भी चाहिए होती है। सारा जो रॉ मटेरियल सर आप कहाँ से लेते हैं लाहौर से? ये रील है जो ये गुजरांवाला से लेते हैं। ओके, तो ये बाकी रॉ मटेरियल है ये लेते हैं हम सगावत वालों से। कहाँ से जी? अनारकली सगावत वाले हैं, कराची वाले हैं। ठीक है, नाम सगावत वाले नाम है उनका जी, शॉप का नाम है अनारकली में जी। ठीक हो गया सर, आपकी मशीन की प्रोडक्शन कितनी है जी? हमारी एक दिन की प्रोडक्शन है 70 कार्टन। 70 कार्टन एक दिन में ये मशीन बना लेती है जी सर। ठीक है सर, एक कार्टन के अंदर कितने जार होते हैं आपके? 9 जार होते हैं। 9 जार होते हैं, और एक जार के अंदर कितने पीस होते हैं जी? 70 पीस होते हैं। 70 पीस होते हैं। अच्छा, आपको प्रॉफिट कितनी आती है? जार के पीछे प्रॉफिट आप निकालते हैं या कार्टन के पीछे आपकी प्रॉफिट होती है? जार के पीछे निकालते हैं। एक जार के पीछे कितनी आपकी प्रॉफिट? एक जार के पीछे कम से कम 10 रुपए प्रॉफिट है। 10 रुपए इस दौर में, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इस जो है ना महंगाई के दौर में भी आपकी 10 रुपए एक जार के पीछे आपकी प्रॉफिट निकल रही है जी। ठीक है, और एक दिन के कितने आपने कार्टन बताए थे? 70 कार्टन। 70 कार्टन और एक कार्टन में 9 जार होते हैं।
ठीक हो गया, और एक जार के पीछे 10 रुपया आपकी प्रॉफिट है, ठीक हो गया। सर इस मशीन को, इस फैक्ट्री को लगाने के लिए जगह कितनी चाहिए होती है और लेबर कितनी चाहिए होती है जी? लेबर जो चाहिए होती है वो चाहिए होते हैं हमें 5 वर्कर। ठीक है, 5 वर्कर जी, मशीन के फार्मिंग से लेके और पैकिंग तक, एंड तक हमें 5 वर्कर चाहिए होते हैं। ठीक है, 5 वर्कर हो तो ये चल जाता है जी, सब फैक्ट्री चल जाता है। ठीक हो गया, जगह कितनी चाहिए होगी इस फैक्ट्री को लगाने के लिए? हमें तो कम से कम 10 मरले चाहिए होंगे। 10 मरले जगह हो तो ये आपको खुला डुला काम शुरू हो जाएगा। खुला डुला काम हो जाएगा। ठीक हो गया सर, आपने जब ये बिजनेस शुरू किया था कितनी दूर हो गया आपको कारोबार किए हुए? हमें 1 साल हो गया करते हुए। 1 साल पहले जब आपने ये बिजनेस शुरू किया था, टोटल रॉ मटेरियल डाल के, मशीन के पैसे डाल के, सारा खर्चा डाल के, कितनी इन्वेस्टमेंट से आपने ये काम शुरू किया था? हमें हमारा लग गया 12 लाख रुपया लगे। टोटल 12 लाख रुपए से आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था जी। ठीक हो गया सर, मशीन आपकी सिंगल फेज है या 3 फेज है? सिंगल फेज है। सिंगल फेज है, सेटअप सिंगल फेज, सेटअप सारा सिंगल फेज है। अच्छा, इस मशीन के अलावा और भी इसके साथ कुछ चीज होती है? मिक्सर वगैरह भी होगा सर? जी मिक्सर है। ठीक है, वो भी हमें दिखा दे। उस मिक्सर का क्या मकसद होता है? उसमें मिक्स करते हैं आप जो जेली बनती है, जिससे इधर पानी का टेम्परेचर होता है जी। अच्छा, पानी के टेम्परेचर के बाद इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो डाला जाता है। अच्छा, आपको जो रॉ मटेरियल होता है जी, अभी हमारा बैच तैयार है। ठीक है, ये देख ले, चलाने के लिए अभी हमारा तैयार है। ये तैयार हो गया, इसकी अब जो ना जल्दी आपकी बिल्कुल जो ना वो रेडी हो जाएगी। रेडी हो गई। ठीक हो गया, यहाँ से आप माल निकाल के उधर डालेंगे जी? जी, यहाँ से माल निकाल के मशीन में डालेंगे। मशीन में डालेंगे जी। ये मशीन के ऊपर छोटा सा बना हुआ है जी इसका, यहाँ भी वो छान के जाएगा, यहाँ से कपड़ा लगाया होता है, कचरा वगैरह अंदर ना, कचरा वगैरह ना है, यहाँ से जाके फिर यहाँ से इसकी जो है ना वो फिलिंग शुरू कर देगा। अच्छा, मुख्तलिफ फ्लेवर की जली आप तैयार करते हैं जी सर? कौन कौन से फ्लेवर की तैयार कर रहे हैं हमारे पास? है रेड है, मैंगो है, ऑरेंज है और बनाना फ्लेवर है। ठीक होगा सर, ठीक है। हमारी वीडियो बहुत से लोग मुख्तलिफ शहरों में देख रहे होंगे। अगर किसी बंदे को माल चाहिए आपसे तो कितने का एक कार्टन आप दे रहे हैं इस टाइम? कारण सर, जब वो हमें बताएगा ना, अपनी डिमांड बताएगा कि मैंने 50 लेने हैं, 100 लेना है, उस हिसाब से फिर रेट हो जाएगा। रेट कम या ज्यादा होता है? अगर कुछ थोड़ा ऑर्डर देगा तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा, अगर कुछ ज्यादा ऑर्डर देगा तो उसका रेट कम हो जाएगा। ठीक हो गया, कम से कम कितना ऑर्डर आपको दे सकते हैं? कम से कम जो फर्स्ट टाइम भी दे, जो छोटे हैं वो देने वाले सेलमैन, वो 5 भी दे सकते हैं, 5 कार्टन 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए, आपके प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। ठीक है, तो माल आप कैसे बेच रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं? माल सर हम नेट पे बेच रहे हैं। ठीक है, सारा नेट पे आपका चल रहा है? जी नेट पे चल रहा है। माल खुद लोग आके ले जाते हैं या आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है इसकी? माल हमारा जो होता है ना फैक्ट्री रेट होता है, इधर से खुद ही लोग लेके जाते हैं। अच्छा, खुद ही लोग ले जाते हैं आपको, आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जी, यहाँ मेरे लोग कॉल करते हैं, भाई हमारे इतने कार्टन है और अड्डे पे लगवा दो, इस अड्डे पे लगवा दो, बिल्टी लगवा दो बस। अच्छा, आपसे बिल्टी का होता है आपका? ठीक है, पेमेंट का क्या हिसाब किताब है? अगर कोई बंदा आपको बाहर से शहर से ऑर्डर करता है तो सारी एडवांस पेमेंट होगी या कुछ एडवांस दे, बाकी माल जब पहुंच जाए कुछ पेमेंट बाद में हो जाए? कोई बंदा बाहर से पेमेंट ऑर्डर देता है तो हमें वो 50 कार्टन की पेमेंट करेगा, 50 कार्टन की बाद में करेगा पेमेंट, जब उसका माल तैयार हो जाएगा। यानी कि 50% पहले दे दे पेमेंट, 50% बाद जब आप बिल्डिंग तैयार करके उसको तस्वीरें वगैरह भेज देंगे तो वो बाद में आपको जो है ना वो पेमेंट करवा दे जी। अच्छा, दूसरी चीज मुझे बताइएगा कि अगर कोई बंदा आपको ऑर्डर देता है तो कितनी दिनों बाद आप उसको माल भेज देते हैं? हम 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं। दो या तीन दिन के टाइम के अंदर आप उसको माल भेज देंगे?